अरविंद केजरीवाल ने साजिश को लेकर क्या दावा किया है, आइए सुनते हैं। हमारे 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले एक फर्जी स्टिंग दिखाया गया, करने की कोशिश की गई और वो बाद में पता चला, 2 दिन बाद ही पता चला कि पूरा स्टिंग फर्जी था। ये उनका लास्ट डिच एफर्ट था पिछली बार भी विरोधियों का, और अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, पूरे दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। आप टीवी चैनल वालों के सर्वे भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे संगठित तौर पर चुनाव लड़ रही है। इससे दूसरी पार्टियां बुरी तरह से बौखला गई है और एक बहुत ही सीनियर लीडर जो कि अखबारों में टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी कुछ स्टोरीज प्लांट करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आरोप लगाया है विपक्षी दलों पर और ये कहा है कि विपक्ष जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टिंग किया जा सकता है चुनाव से पहले। 7 फरवरी को चुनाव होने हैं दिल्ली में, इसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने यह आशंका जाहिर की है। केजरीवाल के आरोपों पर शाहनवाज हुसैन से बात की हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने, क्या कुछ कहा है शाहनवाज हुसैन ने, आइए सुनते हैं। दिल्ली चुनाव में अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कई आरोप लगाए हैं बीजेपी के तमाम नेताओं पर और ये कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन, फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता। शाहनवाज जी, ट्विटर पर वॉर शुरू हो गई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की, फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करने की अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो जो करते थे उसका पर्दाफाश हो गया है। उनको पता है कि पहले वो लोगों को कहते थे भाइयों स्टिंग करके भेजना, अब जनता उन्हीं का स्टिंग कर दे रही है। तो जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, जिस तरह पैसा बांट रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, जिस तरह से झुग्गियों में जाके क्या क्या कर झूठे आश्वासन दे रहे हैं, वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। इसलिए वो इस तरह की डर उनको मन में जो किया है उसका डर समा रहा है और जानबूझ के उसके लिए पहले से माहौल बना रहे हैं। उन्होंने आपके नेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये जरूर इशारा किया कि पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ये काम कर रहे हैं, उनके कुछ कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह के स्टिंग ऑपरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद ही दूसरे का स्टिंग करता हो वो खुद स्टिंग से क्यों डरा है? साफ सुथरे रहिए, अगर आप साफ सुथरे हैं तो डरते क्यों हैं केजरीवाल साहब? डरिए मत। लेकिन केजरीवाल पर तो आप कह रहे हैं डरिए मत, क्या बीजेपी कुछ डरी हुई है केजरीवाल से, क्योंकि आपके तमाम टॉप टू बॉटम सारे मंत्री सारे नेता इस वक्त दिल्ली प्रदेश ऑफिस में चुनाव है, महायज्ञ है, इसमें आहुति डालने सब लोग आ गए हैं। सबको पता है दिल्ली में चुनाव है, राजधानी है और अपने मन से कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ मंत्री नहीं होता कोई और कोई महामंत्री नहीं होता, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं।